आज सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कई सेक्टर्स को सशर्त छूट मिलने के लगाए जा रहे हैं कयास। संपूर्ण लॉकडाउन का आज 21वां दिन। पीएम मोदी ने इससे पहले 24 मार्च की रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन पर यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा केंद्र के सुझाए रास्ते को 100% फॉलो करेगा स्टेट। यूपी में 15 अप्रैल से कई सेक्टर को मिल सकती है राहत। रियल एस्टेट के अलावा छोटे और मंझले स्तर के उद्योग में कामगारों को सशर्त छूट पर विचार। लॉकडाउन एक्सटेंशन में कामकाज बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। 15 अप्रैल से फेज वाइज लागू होगा प्लान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यूपी में होगा कामकाज। पीएम के बयान के बाद लॉकडाउन पर आगे की स्ट्रैटेजी बनाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। सीएम शिवराज ने कहा कोरोना से जंग में सब एक साथ। महाराष्ट्र ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया। कोरोना संक्रमण चेन को रोकने के लिए फैसला लिया। पंजाब उड़ीसा ने भी बढ़ाया 30 अप्रैल तक लॉकडाउन। हालात काबू में आने तक लोगों से घर से बाहर ना निकलने को कहा। तमिलनाडु ने भी 30 अप्रैल तक बढ़ाया लॉकडाउन। नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। पुडुचेरी में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ। सीएम नारायण स्वामी ने लिया है निर्देश। उड़ीसा ने लॉकडाउन में एग्रीकल्चर सहित खेती से जुड़े उद्योगों को राहत दी। सोशल डिस्टेंसिंग को आगे भी कड़ाई से लागू करने की बात कही। राज्यों में लॉकडाउन हर हाल में लागू करवाने का गृह मंत्रालय का निर्देश। सप्लाई में जुटे ट्रक और कार्गो को स्पेशल परमिट की जरूरत नहीं। लॉकडाउन में ट्रक और कार्गो में ड्राइवर और क्लीनर को चलने की इजाजत। बिना जरूरी वजह नहीं रोके जाने का केंद्र का निर्देश। लॉकडाउन में अब तक 30 करोड़ जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता। आगे के हालात की एमएचए में मॉनिटरिंग। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना संकट में प्रभावित लोगों को फूड सिक्योरिटी देने की मांग की। राहुल गांधी ने लॉकडाउन में सशर्त ढील की मांग की। ट्वीट कर कहा लंबे लॉकडाउन से किसानों, मजदूरों, बिजनेसमैन का नुकसान होगा। देश में कोरोना से और 35 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 324 हुआ। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 नए केस सामने आए। वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 9,352 तक पहुंची है और अब तक 980 लोगों इलाज से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार भी बढ़ी। एक दिन में 141 मरीज हुए ठीक। कोरोना पर राहत की बड़ी खबर। देश के 25 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं आया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में फिर 352 नए मामले सामने आए। अब तक 160 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है 100। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1549 तक पहुंची है। मुंबई के धारावी में 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि। स्लम में अब तक 49 मरीजों का पता चला, जिनमें से 5 की मौत हुई। मुंबई से सटे ठाणे में पिछले 24 घंटे में 54 नए कोरोना केस की पहचान हुई है। जिले में अब तक 240 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड से जुड़े 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंत्री ने खुद को किया क्वारंटीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 356 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 1510 लोग इन्फेक्टेड हैं। 28 लोगों की जान गई है। दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े 325 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक जमात के 1071 लोग हुए संक्रमित। दिल्ली के साकेत में मैक्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर समेत 3 मेडिकल कर्मी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों के संपर्क में आए अस्पताल के 39 कर्मचारी क्वारंटीन में भेजे गए हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 2 नर्स और 1 टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव कोविड संक्रमित पेशेंट के संपर्क में आए थे। दिल्ली में 4 और इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। बुराड़ी में बालाजी नगर, पश्चिम बिहार में कृष्णा अपार्टमेंट और मादीपुर में जेजे कॉलोनी सील। दिल्ली सरकार ने कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। बूथ स्तर तक जाएंगी टीम। यूपी में कोरोना के 75 नए केस सामने आए, जिनमें से 35 जमाती हैं। राज्य में कुल केस बढ़कर 558 हुए। यूपी के आगरा में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 139 हुई। आगरा में 10 हॉटस्पॉट और बढ़ाए गए। आवास विकास, सिकंदरा, मोतीकुंज, मदिया, कटरा और लोहा मंडी भी हॉटस्पॉट बने। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फिर 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नोएडा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 68 हुई। आजमगढ़ में कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए हैं। जमातियों के संपर्क में आने से संक्रमण हुआ है। जिले में टोटल केसेस 6 हुए। मुरादाबाद में तबलीगी जमात में शामिल या उनके संपर्क में आए 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 13 अप्रैल को आई रिपोर्ट में खुलासा, 17 में से 1 कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत। यूपी के 15 जिलों में 146 हॉटस्पॉट की पहचान हुई। कोरोना के 401 केस यही मौजूद। यूपी के 25 जिलों में सिर्फ 62 हॉटस्पॉट। कोरोना के 80 केस यहां मौजूद।
वाराणसी में रह रही चीनी युवती की खबर सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप। फ्लैट मालिक पर मुकदमा दर्ज, महिला को पुलिस ने जांच के लिए भेजा। नेपाल के रास्ते भारत आई थी ये युवती। 21 मार्च तक दशाश्वमेध के एक होटल में रुकी। फिलहाल पुलिस चीनी युवती से कर रही है पूछताछ। राजस्थान में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। भरतपुर में 10 और बांसवाड़ा में एक मामला। राज्य में पॉजिटिव केस की संख्या हुई है 897। जयपुर में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए। 361 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 40 नए मरीज। टोटल पॉजिटिव केसेस बढ़कर 614 तक पहुंचा है। अब तक 50 लोगों की मौत। तबलीगी जमात के 2 युवकों को उज्जैन पुलिस ने ढूंढ निकाला। हिरासत में लिए गए दोनों जमाती 7, 8 और 9 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई मरकज में हुए थे शामिल। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए। टोटल पॉजिटिव केसेस हुए 110। अब तक 7 लोगों की मौत। गुजरात में कोविड-19 के 56 नए केस सामने आए। कुल 572 लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 26 लोगों की कोरोना से मौत। कर्नाटक में कोरोना से 7वीं मौत। कलबुर्गी में 55 साल के शख्स ने तोड़ा दम। तेलंगाना में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए। टोटल केस बढ़कर हुए 563। अब तक 17 लोगों की मौत। सिर्फ हैदराबाद में 126 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 439 तक पहुंची। 12 लोग रिकवर होकर घर लौटे। अब तक 7 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रानी गारी थोटा इलाका सील। कोरोना हॉटस्पॉट का रेड जोन घोषित किया गया। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 98 नए केसेस सामने आए हैं। टोटल केस बढ़कर 1073 तक पहुंचा है। अब तक 11 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के टोटल केस 64 हुए। राज्य सरकार ने तंबाकू, गुटखा, पान मसाला सहित थूकने पर पूर्ण रूप से बैन लगाया। झारखंड में कोरोना के 7 और केस का खुलासा। अब तक कुल 24 मरीजों का पता चला। कश्मीर में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए। टोटल केस 270 हुए। असम के धुबड़ी में एक और कोरोना पॉजिटिव केस। दिल्ली के जमात में शामिल हुआ था शख्स। राज्य में टोटल कोरोना केसेस 30 तक पहुंचे। त्रिपुरा में एक हफ्ते से क्वारंटीन पर रखे गए 769 लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। अब तक 337 टेस्ट में 2 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए। उत्तराखंड से कोरोना पर राहत की बड़ी खबर आई है। पिछले 100 घंटे में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। हिमाचल में अभी तक कोरोना के 32 केस। सोमवार को 97 लोगों का टेस्ट हुआ। 28 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 69 संदिग्धों की रिपोर्ट का किया जा रहा है इंतजार। देश में अभी तक 2,06,212 कोरोना के टेस्ट हुए हैं। स्टॉक में अगले 6 हफ्ते के लिए पर्याप्त टेस्टिंग किट्स। 15 अप्रैल को चीन से मिलेगी टेस्टिंग किट्स की पहली खेप। दूसरे देशों से भी टेस्टिंग किट्स की खेप जल्द मिलेगी। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,17,000 के पार पहुंचा। करीब 19 लाख लोग कोरोना की चपेट में। कोरोना से अमेरिका की हालत खराब। संक्रमित लोगों की संख्या 5,70,000 से भी ज्यादा। करीब 23,000 लोगों की मौत। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 671 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क के मेयर बोले, कोरोना का सबसे बुरा वक्त हुआ खत्म। इटली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 20,400 से ज्यादा हुआ। कुल संक्रमित केस 1,60,000 के करीब पहुंचे। कोरोना वायरस से फ्रांस में 574 लोगों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंचा। 11 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। ब्रिटेन में कोरोना से एक दिन में फिर 717 लोगों की मौत। अब तक 11,000 से ज्यादा लोग वायरस के शिकार हुए। स्वाइन फ्लू से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है कोरोना, WHO ने पुष्टि की। कोरोना को लेकर WHO का बयान। कहा, कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के लिए असरदार वैक्सीन की जरूरत। चीन में कोविड-19 महामारी के वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा फेज शुरू। इंसानों पर किया जा रहा है प्रयोग। पाकिस्तान में नेशनल लॉकडाउन बढ़ाने पर आज हो सकता है फैसला। वहां 5,500 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम के पीएम से बात। कोरोना पर दोनों देशों में एकजुट होकर लड़ने पर सहमत। पीएम केयर्स फंड को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। प्रधानमंत्री राहत कोष के साथ नया फंड बनाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कहा, फिलहाल जो जहां है उसे वहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का सीधा आदेश देने से इनकार किया। कहा, उसके पहले जजमेंट के आधार पर हालात के मुताबिक राज्य ले फैसला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लॉकडाउन के दौरान गश्त पर रही पुलिस टीम पर हमला। बाहर घूम रहे कुछ युवकों को अंदर जाने को कहने पर भड़के लोग। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार में लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में अब तक 908 FIR दर्ज। 15,818 गाड़ियां जब्त की गयी। बेगूसराय में पुलिस ने एक शिक्षक को लॉकडाउन के बीच छात्रों को पढ़ाते हुए पकड़ा। इलाके के लोगों की सूचना के बाद कहा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक गाड़ी में छिपकर बांग्लादेश बॉर्डर जा रहे थे 6 बांग्लादेशियों समेत 23 लोग पकड़े गए। स्थानीय लोगों ने शक होने पर रोकी थी गाड़ी। गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल पहुंचे DG जेल आनंद कुमार ने जेल का निरीक्षण किया। जेल के गेट पर बने सैनिटाइजर टनल का भी उद्घाटन किया।
काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मठ की तरफ से करीब 4000 लोगों को रोजाना मुहैया कराया जा रहा है भोजन। वाराणसी के डीएम की अपील के बाद शुरू की गई पहल। कोरोना संकट में भारत में फंसे विदेशियों का वीजा सशर्त 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया, आगे के हालात के मुताबिक फैसला होगा। कोरोना संकट के बीच गुजरात में फंसे 265 ब्रिटिश नागरिक को वतन वापस भेजा गया, अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ी स्पेशल फ्लाइट। भारत ने 15 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की टीम कुवैत भेजी, कुवैत सरकार की अपील पर फैसला हुआ। खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट की मांग, प्रधानमंत्री को केरल के सीएम ने लिखी चिट्ठी। नोएडा में सैनिटाइजेशन के लिए पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। हर दिन 50 सोसाइटी को डिसइंफेक्ट करने की नोएडा अथॉरिटी की मुहिम। यूपी में क्लास 6 से 11वीं तक के छात्रों की नहीं होगी परीक्षा, अगली क्लास में सीधे प्रमोशन देने का आदेश। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह को सैनिटाइज किया गया, स्थानीय प्रशासन ने चलाया सैनिटाइजेशन ड्राइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 50 करोड़ रिलीज करने का ऐलान किया, राज्य के बाहर फंसे जरूरतमंद लोगों को 1,000 रुपए सरकार मदद देगी। आर्मी ने भर्ती परीक्षा फिलहाल टाली, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। जयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पेश की मिसाल, एक हिंदू शख्स की अर्थी को दिया कंधा, लॉकडाउन के दौरान शख्स को की कैंसर से हुई थी मौत। चंडीगढ़ में दुकानदारों का आरोप, बाजार में सब्जी सहित खाने पीने की चीजों की कमी, ठीक से नहीं हो रही सप्लाई। तेलंगाना में भी कई जरूरी चीजों की कीमत बढ़ी, व्यापारियों ने होलसेल सप्लाई ठीक से नहीं होने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से फरार हुआ आतंकी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को रोकने पर पुलिस से हाथापाई, झड़प में एक शख्स की लाइसेंस से रिवॉल्वर से चली गोली, मौके पर मौजूद चश्मदीद जख्मी, हिरासत में एक आरोपी। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर तेज रफ्तार गाड़ी का कहर, एक व्यक्ति को कुचलकर हुआ फरार, अस्पताल में भर्ती किया गया। चंडीगढ़ में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, कई दुकानों में रखा फर्नीचर जलकर खाक। अमेरिका के दक्षिण पूर्व इलाके में तूफान का कहर, 30 लोगों की मौत, कई इमारतें ध्वस्त। अमेरिका में बनी सैंडर्स ने जो बिडेन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर किया समर्थन, बिडेन ट्रंप के खिलाफ होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार।